हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए, 23rd की सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग निकल गए पनवेल के लिए। और यहाँ पर देखिए, बच्चों को देखकर सब लोग उनको प्यार करने लगे, बाय कर रहे थे जैनब को देखकर, बट उसका कोई रिएक्शन नहीं था। तो मैंने जब उसको समझाया तो फिर वो बाय करने लगी। ये देखिए, तो चलिए पनवेल चल के मैं मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए, हम पनवेल पहुंच गए। रास्ते में कुछ शूट नहीं किया था फ्रेंड्स, मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया, बस घर पर आ गए। और घर पे फ्रेश होने के बाद, नाश्ता करने के बाद ही मैंने ये फ़ोन उठाया है वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हम क्यों आए। आज 23 फरवरी, तो हमारे हसनैन रज़ा का बर्थडे है। आज 23 फरवरी को हमको हसनैन रज़ा ने बहुत ढेर सारी खुशियाँ दी है, तो बस वही खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। एक ही दिन के लिए आए हैं, तो बस बर्थडे सेलिब्रेट करके हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे। और ये देखिए, मेरी बेटी आकर हसनैन रज़ा के लिए जो हमने गिफ्ट लाए थे साइकिल, तो उसके ऊपर बैठी है और बस खेल रही है। हसनैन रज़ा भी बहुत खुश हो जाते हैं इसके ऊपर बैठकर, और उनको भी बहुत पसंद है साइकिल पर राउंड मारना। और जैसे कि जैनब को भी पसंद है, तो वो भी आकर बैठ गई और खेलने लगी। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं निकल गई ये गिफ्ट देने के लिए मेरी बहन को, और वो मुझे सब अपनी तैयारियाँ बता रही थी, उसने क्या क्या लिया है। तो फिर आ गए हम लोग अपने घर, और वहाँ पर भी बहुत सारा इंजॉय किए, बहुत सारी बातें किए आंटी से और बहनों से। और यहाँ पर देखिए, घर में डेकोरेशन हो रहा है रज़ा के बर्थडे का शाम का, और ये फाइनल लुक रज़ा के बर्थडे के डेकोरेशन का। माशाल्लाह से बहुत अच्छा डेकोरेशन किए। और मेरे रज़ा देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये उसका ड्रेस नहीं है, अभी नेक्स्ट वो ड्रेस पहन कर आएगा, फिर मैं आप लोगों को पूरा लुक बताऊँगी। और ये भाई और हस्बैंड निकल गए केक लेकर आने के लिए। तो 6 साढ़े 6 बज रहे थे शायद, तो उन्होंने बस केक लेकर आ गए, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेलिब्रेशन। और यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं कि केक सही से बनाया नहीं, सब चेक कर रहे थे। और यहाँ पर दादा दादी के साथ तो एक वीडियो बनता है, तो बस वही वीडियो बना रही थी मैं, रज़ा का और उसके दादा दादी का।
कि हमारे दादी दादी को केक खिला रहे थे हम लोग, लेकिन वो खा रहे ही नहीं थे, फिर अब्बू के हाथ से खाए उन्होंने। और यहाँ पर देखिए हमारी मस्ती, क्या मस्ती करते हैं हमारे भाईजान। मैं ये सब डालूंगी, याद रखना। ऐसे के ब्रो, वेरी चालाक। सलमान भाई तुम नहीं खा रहे? देख। और तू डाइट पे? वाह वाह, तुम क्या बोल रहे? जॉन्डिस का पेशेंट है ये, मेरी फूफू है, प्यारी सी फूफू। क्या अल्लाह, मैं इतनी तारीफ कर रही थी तुम्हारी, तुमने मेरे को क्या बोला? देखो वो मैंने बोली मेरी प्यारी फूफू है, तो मुझे क्या बोला तुमने? और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, और यहाँ पर देखिए बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जैनब भी रज़ा को ऐसे बुलाती है बच्चों की, जैसे कि आ जाओ करके बुलाती है उसको, हाथ फैला करके, ये देखिए। और मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं उसको देखकर। और यहाँ पर उसके सारे टॉयज़ हम खोल कर देख रहे थे, मतलब गिफ्ट खोल कर देख रहे थे। और ये सारा देखिए, इसको रज़ा को हमारे गिफ्ट मिला है, और मैंने साइकिल भी दी हूँ रज़ा के लिए, जो वहाँ पर बलून लगा कर रखी हुई है। और ये देखिए बड़ा ही खुश लग रहा था हमारा रज़ा, बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना फ्रेंड्स, आप लोग भी। तो चलिए, इसके बाद सुबह में हम लोगों को निकलना था, तो बस ये गिफ्ट वगैरह खोल कर और साफ़ सफाई करके हम लोग सो जाएंगे, और फिर सुबह में निकलेंगे अपने घर के लिए पुणे। और ये देखिए हम लोग निकल गए अपने घर के लिए पुणे के लिए। मेरे बच्चे थोड़े से सैड थे, बट कोई नहीं, फिर आ जाऊंगी हसनैन के पेपर होने के बाद इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।